नमस्ते एवरीवन लेट्स कंटिन्यू विथ मातृभूमि का मान पार्ट थ्री प्रीवियस टू वीडियोस लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमने पिछले दो वीडियो में देखा था कि महाराणा लाखा प्रतिज्ञा ले लेते हैं अभय सिंह उन्हें समझाते हैं कि प्रतिज्ञा बहुत मुश्किल होगा उसे पूरा करना क्योंकि उन्होंने बिना अन्न जल वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि बूंदी के दुर्ग में सैन्य ससे, मतलब सेना के साथ प्रवेश नहीं कर लेते तब तक वह जल ग्रहण नहीं करेंगे इस पर अभय सिंह उन्हें समझाते हैं कि यह बहुत मुश्किल प्रतिज्ञा है आप, आपको ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें काफी वक्त लगेगा और हमने देखा था कि वहां पे अः चारणी इस पा पात्र का प्रवेश होता है चारणी वो गीत गाते गाते सभी पराक्रमी और वीर राजपूतों को हमेशा साथ में रहने के लिए प्रेरित करते हैं अपनी गीतों के द्वारा तो वो गीत गाती है कि सारे राजपूत वो सागर से निकाले हुए जिस तरह रत्न बहुत मूल्यवान रहते हैं उसी तरह सारे राजपूत भी बहुत मूल्यवान हैं और वो एक मोतियों की माला की तरह सब जुड़े हुए हैं वे सब लोग हृदय से हृदय मिलाकर मोतियों की माला की तरह जुड़े हुए हैं और हमें उनकी मोतियों की माला को किसी को भी मोतियों की माला को नहीं तोड़ना चाहिए इस तरह वो राजपूतों को साथ में एकत्रित रहने के लिए प्रेरित करती है अपने गानों के द्वारा गीतों के द्वारा महाराणा तुम कुछ गा रही थी चारणी तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं श्रृंखला मतलब कड़ी संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला मतलब एकता की चैन श्रृंखला कड़ी में बांधने के लिए और सबको अपनी स्वतंत्रता बांधकर देश की स्वतंत्रता के लिए एक होने के लिए तुरंत प्रेरित कर रही थी तो चारणी के गीतों में यह संदेश रहता था कि सभी लोग एक हो जाओ राजपूत और विदेशी शक्तियों का सामना करें हम और हमेशा के लिए स्वाधीन रहे स्वतंत्र रहे पर मैं अब उस श्रृंखला को उस कड़ी को तोड़ने जा रहा हूं क्योंकि दो जाति कौन कौन सी जाति हमने देखा था एक हड़ा जाति और दूसरी हड़ा वंश सिसोदिया वंश वैसे ही बूंदी दुर्ग और मेवाड़ तो दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं चारणी ये आप क्या कह रहे हैं महाराणा आपके विवेक विवेक बुद्धि आपके विवेक पर सबको विश्वास है मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ निवेदन रिक्वेस्ट, प्रार्थना। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि यद्यपि यदि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं मतलब चारणी कह रही है कि बूंदी दुर्ग हाड़ा शक्ति मतलब बूंदी दुर्ग के लोग वो शक्ति में में मतलब ताकत में, और साधन साधन लाइक like, uh, उनकी सैन्य बल तो uh, गोला बारूद या जो बाण तीर कमान उन साधनों में रिसोर्सेस में मेवाड़ से छोटे राज्य है उन्नति में फिर भी वे लोग वीर है मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहते हैं तो जब भी मेवाड़ के सामने मतलब महाराणा लाखा के मेवाड़ में जब भी कोई मुश्किल होती है तो हाड़ा लोक के लोग मदद करते हैं यदि उनसे कोई धृष्टता धृष्टता ऑडेसिटी मतलब कोई गलती हो भी गई हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे राजपूत शक्तियों में तो चारणी प्रेरित कर रही है महाराणा को वो निवेदन कर रही है कि आप उनसे दुश्मनी ना मोल ले और वे भी राजपूत है हम भी राजपूत है हम हमें सबको मिलकर रहना चाहिए महाराणा चारनी तुम बहुत देर आई अभय सी चारणी महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले अन्न जल ग्रहण न करेंगे तो यहाँ पर अभय सिंह चारणी से ये कहते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं कि महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा ली है तो किसने किससे कहा अभय सिंह ने चारणी से कहा कि जब तक बूंदी के गढ़ को वो जीत नहीं लेंगे तब तक महाराणा अन्न जल ग्रहण न करेंगे इस पर चाड़नी कहती है दुर्भाग्य हार्ड लक बैड लक कुछ सोचकर महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी देश का कोई शुभ चिंतक वेलविशर इस विद्वेश की आग को फैल फैलने देना पसंद नहीं कर सकता विद्वेश वेश, तो ये जो जेलसी की आग है ईर्ष्या की जो आग है बदले की जो आग है उसे हम नहीं फैलने देना चाहते हैं मैं शुभ चिंतक हूं।, हूं तो मैं इस आग को फैलने देना नहीं पसंद करूंगी तो मैं नहीं चाहती कि आप उन पर आक्रमण करें अभय सिंह किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए अभय सिंह बता रहे कि उन्होंने तो अब प्रतिज्ञा ले है और वो अब पूरी होनी ही चाहिए अब क्या करें क्योंकि उनके वहां परंपरा थी प्राण जाए प्रवचन न जाए तो अब एक बार प्रतिज्ञा ले ली तो उसे पूरी तो करनी ही पड़ेगी तो चारणी उस पर एक सुझाव देती है एक उपाय है यह नहीं कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए वह यह कि यहीं पर एक नकली का दुर्ग नकली दुर्ग बनाया जाए मतलब मेवाड़ में बूंदी के जैसा एक किला बनाया जाए एक दुर्ग बनाया जाए जो बूंदी का हो वैसा ही वैसा महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले विध्वंस मतलब डिस्ट्रॉय उसको नष्ट करके महाराणा क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तो चाणने बीच का उपाय दे रही है कि हम एक नकली कीला बना ले और आप उसको नष्ट कर दो तो इस तरह मैं बूंदी के दुर्ग में सेना के साथ प्रवेश करूंगा ये वाली जो आपकी प्रतिज्ञा है वो पूरी हो जाएगी महाराणा अच्छा अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा किड़ाओ को उनकी उद्दनता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें, महाराणा सब कुछ सोच समझ कर इस प्रस्ताव पे राजी हो जाते हैं मतलब वो एग्री कर जाते हैं कि फिलहाल के लिए हम नकली दुर्ग किले को नष्ट करके अपने व्रत का अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर देता हूँ बट फिर भी मतलब उनके अभी फिलहाल उनके एकता में कोई भंग ना हो परंतु उनके मन में फिर भी ये बात रह जाती है कि हड़ाओं ने निमरा के मैदान पे उन पे आक्रमण करके जो गलती की है उस गलती का तो दंड मुझे उनको देना ही है पर शायद वो मैं समय आने पे दूंगा इसके साथ ही आगे क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग प्रैक्टिसिंग डू सब्सक्राइब द चैनल बाय बाय